पर इस बार हम रिवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको ये दोनों तरफ से हम लोग चैनल बनाते हुए नदी के बीचों बीच ये धारा को ले जाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिस देश का युवा मजबूत है, जिस देश का युवा जागरूक है, जिस देश का युवा समर्पित है, जिस देश का युवा सेना में जाकर के अपना पूरी सेना की रक्षा कर रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया लोग जो है अपना इधर उधर से घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और सोंग नदी के किनारे पे जो है इन्होंने डंपिंग जोन बना रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल भंडारी आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आज मैं एक और जन जागरूक मुद्दे को लेकर आपके साथ आया हूँ। यहाँ पर साथ में सोंग नदी पे बाढ़ जो है निश्चित आती ही आती है और जब बाढ़ आती है तो उस समय हम सिर्फ बाढ़ पानी देखने और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पर अब की बार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर सोंग नदी का जो है चैनलाइजेशन करा जा रहा है। दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब पर्यावरणविद श्री विनोद जुगलान जी, जो जंगल और पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। तो जुगलान जी, यहाँ पर जो सोंग नदी में काम चल रहा है, यह काम जो है किसके निर्देशों पर चल रहा है? ये हमारा पूरा जो रिवर सॉन्ग है, ये गंगा की पतित पावनी जो माँ गंगा है उसकी एक सहायक और मुख्य नदी है, जो उसको उसमें आग यहीं इस गांव के पास में गौरी माफी और खदरी की सीमा पर गंगा में ही समाहित हो जाती है। और ये नमामि गंगे में भी हमारी इस नदी को लिया गया है, लेकिन इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी तक काम नहीं हुआ था इस नदी पर। और हमारे इस नदी की जो पानी है, आजकल सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन जैसे बरसात आती है तो पूरे देहरादून क्षेत्र का जो शिवालिक वैली का पानी है, वो छोटी छोटी धाराओं से छोटे छोटे नौला और उसमें छोटे छोटे नदी नालों का पानी मिलकर के सोंग नदी एक उग्र रूप धारण कर लेती है। इससे जो हमारी 1998 की बाढ़ है उसमें लगभग हमारे यहाँ ग्राम सभा खदरी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 108 बीघा के करीबन जो भूमिधरी की भूमि है इसमें समाहित हो चुकी है और काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ। दूसरी ओर अगर हम दूसरी बात करें 2014 की अगर हम बात करें और उससे पहले भी 2003 की बात करें तो गौरी माफी को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ से पुनर्वासित किया गया, विस्थापित किया गया, लेकिन जितना हमारी उम्मीद रहती है उतना काम इस नदी पर नहीं हो पाया था। पिछली जो हमारी बैठक हुई थी तो उसमें मेरे जिलाधिकारी महोदय श्रीमान हमारे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, उनको अपनी पीड़ा बताई कि सर जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो हम लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। उस समय हमारे पास में प्रशासन अगर कुछ करना भी चाहे तो हम लाचार रहते हैं, क्योंकि उस टाइम करेक्टिव मेजर्स लेने का समय नहीं होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में, बचावी राहत के रूप में, बचावी प्रबंधन के रूप में हम कुछ करें। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि अगर इस बार हम रिवर ट्रेनिंग कर दें, जिसको ये दोनों तरफ से हम लोग चैनल बनाते हुए नदी के बीचों बीच ये धारा को ले जाने का काम कर रहे हैं, रिवर को ट्रेन कर रहे हैं, एक ट्रेन हम बना रहे हैं, जिस तरह से साइकिल हमारी पैदल पगडंडी होती है उस पर हम साइकिल चलाते हैं, उसी तरह से रिवर के लिए भी एक रास्ता बनाया जाता है कि हम लोग बिना पर्यावरण को क्षति पहुँचाए, बिना जलीय जीवों को क्षति पहुँचाए हुए हम लोग इसको नदी को ट्रेन करते हुए, चैनल बनाते हुए, चैनलाइजेशन करते हुए उसको जहाँ उसका गंतव्य है, उसके मंतव्य तक उस नदी को वहाँ पहुँचाने का के लिए ये कार्य किया जाता है, जिसकी स्वीकृति डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर यहाँ पर ये किया गया है। और इसमें हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं, कुछ बाधाएं कभी आती हैं उन बाधाओं को भी हम लोग दूर करने के लिए फिर शासन प्रशासन से बात करते हैं जी। तो आपकी जो है यह इतना काम यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का हो रहा है, तो ग्रामवासियों से क्या उम्मीदें हैं आपकी? इस बार सबसे बड़ी खुशी यह है कि जैसा हमारा पिछला अनुभव रहा है कि जब भी यहाँ तार जाल लगने की बात आई हो, तटबंध बनाने की बात आई हो, तो दो गांव आमने सामने हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये पानी हमारी तरफ रुख ना ले ले, इधर खदरी वालों को लगता है कि हमारी तरफ रुख ना ले ले, लेकिन विरोध पहले शुरू हो जाता है, जेसीबी नहीं आ पाती है। दूसरी बात ये होती है कि विरोध के स्वर मुखर होते हैं वो वन विभाग अपनी टांग पहले अड़ाता है, हालांकि वन विभाग का यहाँ बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है नदी के बीच में, वन्य जीवों का यहाँ पर हमारा कोई हम लोगों के हस्तक्षेप नहीं है, हम जंगल को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग अपने नियमों के आधार पर प्रतिबंधित रहता है और उन्हें वो कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं।
तो वो ये ऐसे काम करने नहीं देते। पर इस बार चूंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, जो पिछला हमारा अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ से पूरा यहाँ से इसकी अनुमति ली गई है, रिजर्व फॉरेस्ट से अनुमति ली गई है, वन विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनसे बाकायदा यहाँ पर हमें अनुमति प्रदान की गई है कि आप लोग इसमें रिवर चैनलाइजेशन का काम करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो विरोध के स्वर ग्रामीणों की ओर से मुखर होते थे, जब उन्हें लग रहा है कि दोनों ओर का पानी जहाँ जहाँ जो टक्कर पानी की बनी हुई थी, जो संवेदनशील क्षेत्र थे बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे हमें लगता था कि यहाँ से कटाव अंदर होगा तो ये पानी अंदर घुस जाएगा, उन जगहों को पहले हम लोगों ने कवर किया है और इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। यानी कि उनकी जो मूक दर्शिता है, उनका बिना किसी विरोध के काम हो रहा है, तो वो लगता है कि एक बहुत अच्छा संदेश है। अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि ये नई पीढ़ी है, समझने लगी है कि ये ज़रूरी है। अगर आज ये काम नहीं होंगे तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं और हमारी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित होंगी। तो उन लोगों का बड़ा सहयोग हमें मिलता है। जी, जैसा कि आपने कहा नई पीढ़ी, तो नई पीढ़ी और युवाओं से आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी जो अपेक्षा है वो सीधी सी है कि जब भी हम लोग यहाँ नदी क्षेत्र में आते हैं तो हम इनका सम्मान करें, इसको नदी मात्र ना समझे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये जो नदियाँ हैं हमारे बुजुर्गों के समय से और पुरातन समय से बहती आ रही हैं, तो इनको ये सदा निरा नदियाँ हैं, इनके ऊपर अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो सदा निरा हैं ये दिन ब दिन खत्म हो जाएंगे। इनके संरक्षण के लिए युवाओं की एक बड़ी भूमिका है, लोगों को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि हम जल संरक्षण के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हम लोग किस तरह से आगे आ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम एक व्यक्ति को एक पेड़ कहीं पर भी लगा करके उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संरक्षण की बात कर रहा हूँ कि अगर वो अगर लगा नहीं सकता है, उसके पास में जगह नहीं है, तो जहाँ पर कोई एक पौधा लगा हुआ है उसका संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। जी चलो, ये सब तो आपकी बातों से हम सब सहमति हैं, पर एक जो है बहुत ही मेजर सवाल है वो खड़ा उठता है कि जिस हिसाब से सौंग नदी में पानी की मात्रा तो अच्छी है, पर यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सौंग नदी के जो खदरी ग्राम सभा से लगे हुए जो तटबंध है वहाँ पे जो है प्रदूषण आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग जो है अपना इधर उधर से घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और सौंग नदी के किनारे पे जो है इन्होंने डंपिंग जोन बना रखा है, तो इनके लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपका जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एक गंभीर समस्या है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी राज्य सरकार, केंद्र की सरकार या कोई भी सरकार जो अभी वर्तमान में है या भविष्य में भी कोई आने वाली सरकारें हैं, चाहे पुरानी सरकारें हमारी रही हैं, इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग अगर नमामि गंगे की ही बात करें और स्पर्श गंगा की बात करें, इस तरह के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में सरकार कितना पैसा खर्च करती है, करोड़ों अरबों रुपया भी, अगर वर्ल्ड बैंक भी अगर यहाँ आकर के अपना पैसा लगा दे, ये नदियाँ तब तक साफ नहीं हो सकती, तब तक संरक्षित नहीं हो सकती, जब तक कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। सरकारें भी लाचार हो जाती हैं, क्योंकि सरकारें सिर्फ नियम बना सकती हैं, सरकारें सिर्फ कार्य योजनाएँ ला सकती हैं, उनको उनका जो क्रियान्वयन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है और उनको बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम लोग अपनी जो भूमिका है उसको संवेदनशीलता से उस चीज़ को निभाएंगे। जगह जगह जो अभी यहाँ आप देखते हैं कि वो सैनिटरी के पैड्स हैं, घरों का कचरा है, रसोई का कूड़ा है, उसके अलावा डोमेस्टिक जितना भी हमारा गार्बेज निकलता है वो सब लोग उठा करके जैसे ही लाइट जाती है तो लोग सड़कों पर फेंकना शुरू कर देते हैं। आप विदेशों में जाते हैं वहाँ देखते हैं लोगों के प्रति संवेदनशीलता है। हमारे यहाँ हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान इतना नहीं प्रफुल्लित हो पा रहा है। हमारी जो शिक्षा है हम उसे रोजगार से जोड़ के देखते हैं, जबकि वास्तव में होना ये चाहिए कि हम उस शिक्षा हमारे अपने शिक्षण के लिए, हमारे ज्ञान के लिए भी होनी चाहिए। हम नदियों के प्रति संवेदनशीलता अपनाएं। जो हमारा घरों का कूड़ा कचरा है उसमें अगर प्रबंधन कहीं पर नहीं है तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करें, आग्रह करें, और वो तब भी अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें बड़े स्तर पर जो हमारे बड़े माननीय जो कहलाते हैं उन लोगों को पकड़े, उनसे पहले आग्रह करें, निवेदन करें, नहीं है तो उनके प्रति अपना रोष प्रकट करें कि इस तरह के कूड़ा प्रबंधन कुछ होना चाहिए और ऐसी समितियां, कूड़ा प्रबंधन समिति बनाई जानी चाहिए।
जो हमारा ये जितना भी प्लास्टिक अभी आप देख रहे हो जगह जगह फैला रहता है नदियों में, ये सब नदी नालों के द्वारा ही यहाँ सौंग नदी में पहुँचता है, सुसवा नदी के द्वारा पहुँचता है और ये तमाम जाकर के फिर गंगा जी में पहुँचता है। बहुत बड़ा आपका जो सवाल है, ये सवाल तभी इसकी समस्या का समाधान हो सकता है जब हम लोग जागरूक होंगे। ये जो पॉलिथीन है इसको हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करके और प्लास्टिक का हम लोग इकट्ठा करके किसी एक एजेंसी को दे सकते हैं जिससे बेडोमिन बनाया जा सकता है, जिससे हमारी सड़कें बनाई जा सकती हैं, जिससे हमारा फर्नीचर बनाया जा सकता है, इस तरह का प्रयोग लाया जा सकता है। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिस देश का युवा मजबूत है, जिस देश का युवा जागरूक है, जिस देश का युवा समर्पित है, जिस देश का युवा सेना में जाकर के अपना पूरी सेना की रक्षा कर रहा है, पूरे अपने बॉर्डर पर काम कर रहा है, उस देश के युवाओं को, वो चाहे ग्रामीण युवा है, सब लोगों को जागने की ज़रूरत है। हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, उसके बाद परिवार से शुरुआत करें, उसके बाद समाज से और उसके बाद में राज्य में, और फिर इस तरह से हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। हमारी जो नदियाँ हैं वे समृद्ध होंगी, सदा निरा रहेंगी और प्रदूषण से बच सकेंगे, ऐसा मेरा युवाओं से आह्वान है। जी जुगलान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।